Okay, ji, assalamu alaikum and very good afternoon. So basically today we are discussing about cash book, and that is chapter number 30 in our book. We talk about cash book, it means we are talking about a book which is a book of prime entry and which is a book of double entry. So question arises that why it is a book of double entry. The answer is half entry is posted in the cash book. Half entry, we know we have double entry system of accounting. For example, you paid rent by cash. Your rent expense was 50,000 and you paid by cash. So in the cash book, you will find a payment side and a receipt side. On the payment side, suppose you paid by check. So you will go in the format and finally you will write the number in the back column. And the reason or the reference is rent expense. And then you will record rent expense as an expense in journal ledger in an account, and that account is called rent expense account. What do I mean? I mean that half entry you need to have in the cash as far as payment is related. Here in this case, an expense account will be opened in journal ledger by the name of रेंट एक्सपेंस. तो इसे बुक ऑफ डबल एंट्री क्यों कहते हैं? इसलिए कि आधी एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाती है और आधी एंट्री जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है उस टी अकाउंट में जो रिलेटेड टी अकाउंट होता है. इसके अलावा एक कैश बुक जो होती है उसको बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं. क्यों कहते हैं प्राइम एंट्री? क्योंकि डिस्काउंट का जो कॉलम होता है उसमें नंबर को एंटर कर दिया जाता है, लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड की जो एंट्रीज होती हैं वो ऑफ द पी अकाउंट ऑफ द कैश बुक बनती है. कैश बुक के बाहर अगर डिस्काउंट अलाउड है तो डिस्काउंट अलाउड का पी अकाउंट खुलेगा जनरल लेजर में, और डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे. क्यों? डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो हम अपने क्रेडिट कस्टमर्स को देते हैं जिन्हें अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं. इसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव एक इनकम अकाउंट है हमारे लिए. डिस्काउंट रिसीव का मतलब ये हुआ कि हमने कम पेमेंट की तो हमें डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट रिसीव को हम क्रेडिट कर देते हैं. और परचेज लेजर में जाकर हमारे पास जो इंडिविजुअल क्रेडिटर अकाउंट होता है, यानी अकाउंट्स पेबल अकाउंट होता है, उसको हम डेबिट कर देते हैं. तो ये तो मैंने आपको बताया कैश बुक को क्यों हम बुक ऑफ डबल एंट्री और बुक ऑफ प्राइम एंट्री कहते हैं. ड्रॉइंग अप कैश बुक, कैश बुक कैसे बनाएंगे? कैश बुक बनाने के लिए हमें फॉर्मेट जो है उसको कंसीडर करना पड़ेगा, और वो फॉर्मेट जो है दरअसल हमारा टू कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट भी होता है और थ्री कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट भी होता है. तो इसमें हमारे पास दो साइड्स होती हैं, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड. कैश बुक में हम डेबिट और क्रेडिट नहीं करेंगे, रिसिप्ट और पेमेंट करेंगे. पैसा आया और पैसा गया. पैसा तो आएगा. कौन सा यूज होता है, टू कॉलम या थ्री कॉलम? जी मेनली कौन सा टाइप यूज होता है, टू कॉलम या थ्री कॉलम? थ्री कॉलम. हमारे एग्जामिनेशन में थ्री कॉलम कैश बुक आएगी. एक कॉलम होगा बैंक का, एक कैश का और एक डिस्काउंट का. तो हमारे पास जो कैश बुक में जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो तीन किस्म की ट्रांजेक्शन होती हैं, सिंपल ट्रांजेक्शन, डिस्काउंटेड ट्रांजेक्शन और कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन. अभी हम ये देखेंगे तीनों ट्रांजेक्शन. तो ये अब जो बात कर रहा है ड्रॉइंग अप कैश बुक, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि कैश बुक क्यों बनाओ, ड्रॉ करें कैश बुक. ड्रॉ का मतलब बनाना, बनाएंगे कैश बुक क्यों? कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो दिखाने के लिए. एंड दैट इनफ्लो कुड बी इन टर्म्स ऑफ करेंसी, यानी ये कैश भी हो सकता है और इन टर्म्स ऑफ चेक्स भी हो सकता है. आगे चलिए. ठीक है, अब हम आगे अगर देखें, असल में इस पहले पैराग्राफ में उसने बैंक स्टेटमेंट की भी बात की, जरूरत नहीं है यहाँ पर बात करने की. हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि बैंक स्टेटमेंट का वो कॉलम जो कि बैंक स्टेटमेंट से मेरी मुराद ये है कि बैंक स्टेटमेंट का वो कॉलम, बैंक स्टेटमेंट यानी कि जो बैंक स्टेटमेंट बैंक से मिलेगा, तो कैश बुक का वो कॉलम जो कि बैंक को जाहिर करता है वो दरअसल बता रहा होता है कि हमने बैंक को किस तरह मेंटेन किया, ना कि जो आपके बैंक कर सकते. अब देखिए, एक है कैश और एक है बैंक. इन दोनों को मैं जॉट डाउन कर दूं, कैश अकाउंट में रिसिप्ट साइड
यानी कि यहाँ पर हम डेबिट साइड कह रहे हैं उसको, उसमें पैसा आना और पेमेंट साइड में पैसा जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली एक जगह से पैसा आ रहा है, एक जगह से पैसा जा रहा है। बैंक में भी इस तरीके से हो रहा है, एक जगह से पैसा आ रहा है, एक यानी हमारे पास पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं। तो अगर हम दोनों को जोड़ लें तो ये बन जाएगी कैश बुक। कैश का कॉलम कैश के टी अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, बैंक का कॉलम बैंक के टी अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, कैश का पेमेंट का कॉलम कैश के क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट करता है, और बैंक का क्रेडिट कॉलम बैंक के टी अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें नंबर जो है वो सारे के सारे जब हम लिख देंगे, जैसे इस क्वेश्चन में हमने लिखे तो कैश में हमारे पास 113 है रिसिप्ट साइड पर, जबकि पेमेंट साइड पर 49 कम है। तो जब हम सब जमा करेंगे 20 + 19 + 25 = 119 तो बाकी जितने पैसे बच गए हैं जना 2520 कितने हो गए, 45 और 20 कितने हो गए, 65 64 हमारे खर्च हो गए। 113 में से 64 माइनस करें तो 25 रुपये बच गए। ये बिल्कुल सिंपल सा हिसाब है, बच्चा भी कर लेगा कि 113 में से 64 गए तो कितने बचे, 49। ये क्लोजिंग बैलेंस है विच विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस। इसी तरीके से हम बैंक के कॉलम का भी टोटल कर सकते हैं, 10672 आ गया हमारे पास। जब हमने टोटल किया तो पेमेंट साइड पर हमारे पास 205, 268, 295 के नंबर थे, इन तीनों को जमा किया तो 10672 नहीं बनता, तो जो डिफरेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस होगा एंड दैट क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि बैंक के कॉलम में ऐसा भी हो सकता था कि पेमेंट साइड ज्यादा होती और रिसिप्ट साइड कम होती, तो वो कहलाता जनाब हमारे पास क्या, वो हमारे पास कहलाता बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये हो गया कि हमने बैंक में पैसे जितने जमा करवाए थे उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट 13.1 ही हो गया, नेक्स्ट सेक्शन है 13.2, वो कहता है कैश पेड इनटू बैंक। ये जो एंट्री है इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, यानी कि अगर आपकी कैश बॉक्स में पैसे जमा है और आपने उसको उठाकर बैंक में डाल दिए तो आपका बैंक बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा। इसी तरह से वाइस वर्सा, अगर आपने जो है वो बैंक से पैसे निकाल कर कैश बुक में डाल दिए, अपने कैश बॉक्स में रख लिए, तो वो भी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी एंट्री होती है, द एंट्री व्हिच इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द कैश बुक, बट व्हेन यू राइट इन द कैश कॉलम ऑन द रिसीव्ड साइड द रीजन विल बी बैंक। इसका मतलब कैश में पैसे बैंक की तरफ से आए और जो बैंक के पैसे गए तो यही एंट्री बैंक के कॉलम में भी रिकॉर्ड होगी। बैंक का जो कॉलम होगा पेमेंट साइड पर उसमें वो नंबर लिख दिया जाएगा और सामने रेफरेंस लिखा जाएगा कैश, इसका मतलब बैंक से जो पैसे गए वो कैश में चले गए। ऐसी ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। लेकिन अगर पैसे सिर्फ बैंक में आ रहे हैं कैश से नहीं आ रहे, जैसे हमने सेल्स की और पैसा आ रहा है तो बैंक को हम डेबिट कर देंगे, यानी बैंक के रिसिप्ट कॉलम में हम नंबर लिख देंगे या कैश के रिसिप्ट कॉलम में नंबर लिख देंगे। अगर कैश से पैसा आ रहा है और सेल्स का जो अकाउंट है वो जनरल लेजर में खुल जाएगा और उसको हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि इनकम बढ़। नेक्स्ट, ये जो मैंने बातें की थी वो सब इन्होंने बता दी, आगे चलें। अभी आपको टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारी वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आगे चलते जाएं। फोलियो का कॉलम जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने अब सिलेक्ट कर दिया है और अब ये नहीं होगा, लिहाजा फोलियो का मतलब दरअसल रेफरेंस होता है, ये होगा नहीं, तो हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट, कैश बुक की एग्जाम्पल दी है, टू कॉलम कैश बुक की, और से देख लें ऊपर जाए। हाँ, ये सीन पर ये देखें, ये टू कॉलम कैश बुक है, कैश का कॉलम पहला कॉलम, बैंक का कॉलम दूसरा कॉलम। जो जो पैसे रिसिप्ट साइड पर, इनको रिसिप्ट लिखना चाहिए और पेमेंट लिखना चाहिए, इन्होंने लिखा नहीं, लेकिन अगर हमें कैश बुक बनानी हो तो हम रिसिप्ट और पेमेंट लिखेंगे। ये पेज नंबर 1 को भूल जाए, ये दरअसल एक रेफरेंस है। जो जो पैसे बैंक से चले गए, जैसे रेंट कैश पेमेंट की, रेंट की, फिर ये कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, फिर हमने विल्स को हमने पेमेंट कर दी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो विल्स की पेमेंट है उसमें आप देखेंगे यहाँ कोई डिस्काउंट की कहानी नहीं है, डायरेक्टली पेमेंट हो रही है, वेजेस की पेमेंट हो रही है, और दूसरी तरफ पेमेंट आ रही है इधर इन कैश में आ रही है या चेक इस रूप में आ रही है। तो ये बात कंप्लीट हो गई, क्लोजिंग बैलेंसेस हमने निकाल लिए। डिस्काउंट हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक को कहते हैं कैश डिस्काउंट और एक को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। याद रखें, समझ लें, दिल पर लिख लें, वो ये
the trade discount is never recorded in cash book or in any book of double entry or anywhere. हम इसको सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं इनवाइस में. ट्रेड डिस्काउंट की बात कह रहे हैं. ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है बल्क डिस्काउंट, और बल्क डिस्काउंट की आपने स्टोरी सुन ली. देन वी गो फर्दर एंड वी टॉक अबाउट डिस्काउंट व्हिच इज कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट की दो किस्में होती हैं, डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट रिसीव इज एन इनकम अकाउंट एंड डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस अकाउंट. अगर मुझे मुबीन से 100 रुपए लेने हो और मुबीन ने मुझे जो है वो जनाब आदमी पैसे दे दिए हैं, वो मुझे 100 रुपए की जगह जो है वो 95 दे दिए हैं. मैंने कहा यार मुझे जल्दी पैसे दे दो. उसने कहा सर मैं 5 रुपए कम दूंगा. तो दैट डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस फॉर मी, और वो मैं अपनी कैश बुक में 3 कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट एक्सपेंस या डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा. दूसरी तरफ अगर मैंने किसी को पेमेंट करनी है, अगर मैंने आलियान को पेमेंट करनी है और पता ये चला कि मैंने आलियान को जो पेमेंट करनी है वो मुझे जल्दी पेमेंट करने को कह रहे हैं एंड आई एम पेइंग in place of 200 I am paying 190. इसका मतलब ये हुआ कि दरअसल हुआ ये कि एक बात हो गई. वो क्या हो गई बात? वो ये हो गई कि मुझे 20 रुपए जो बचे वो मेरे इनकम के हैं और वो मेरे डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट इनकम अकाउंट में आ जाएंगे. ये बात आपको समझ में आ गई होगी. तो ये डिस्काउंट के कॉलम में होगी. ठीक है, डिस्काउंट दो तरीके से दिया जा सकता है एग्जाम में, या तो नंबर की सूरत में या परसेंटेज की सूरत में. परसेंटेज की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. वो एक बात जो है वो ये है कि जनाब अली एक बात जो है वो ये है कि या तो वो आपको बताएगा कि 5 रुपए का डिस्काउंट है 200 रुपए पर. तो 200 रुपए का अगर हम 10% लेते हैं ताकि राउंड फिगर हो जाए, 10% 200 रुपए का जो है वो 20 रुपए बन गया. तो अगर उसने आपको बता दिया कि 200 रुपए की पेमेंट में से 20 रुपए आपने डिस्काउंट दे दिए, 20 रुपए डिस्काउंट दे दिए, तो आपके पास पेमेंट आ गई 180. वो 180 की जो पेमेंट आई वो 90% की पेमेंट है, वो 100% की पेमेंट नहीं है क्योंकि 10% पे डिस्काउंट हो गया. अब ऐसा भी कर सकता है वो कि वो आपको कहे कि जनाब अली 180 रुपए आ गए हैं जो कि 90% है, तो बताओ 100% कितने थे. तो अब 180 को 90 पे डिवाइड करके 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 200 का फिगर आ जाएगा. इसी तरीके से वो आपको ये भी बता सकता है कि 10 रुपीज 20 रुपीज जो है 200 का 10% बना 20 रुपीज. वो आपको कह सकता है कि 20 रुपीज जो है वो 10% डिस्काउंट है जो हमने अलाउ किया है, तो बताओ पेमेंट कितनी आई टोटल में से. तो अगर आप 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 200 की फिगर आ जाएगी क्योंकि इनवाइस की अमाउंट होगी. इनवाइस की अमाउंट को हमें कैश बुक पे रिकॉर्ड नहीं करना. हमें 200 जो इनवाइस की अमाउंट है उसमें से 20 रुपए माइनस करके जो पेमेंट आ गई दैट इज 180, और हमको 180 रिकॉर्ड करनी है. इसी तरीके से डिस्काउंट को कई तरीके से आगे पीछे करके पूछ सकता है. लेकिन अगर आपको ये बात पता हो कि यूनिटी मैथड ये कहता है जो नंबर जिस परसेंटेज का होता है उस पर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100% फिगर आता है. तो आगे चलेंगे. डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट सीमेंट समझा दिया. आगे जाइए बेटे, आगे चलें. ये सब एक्सेप्ट की जरूरत नहीं है, ये पढ़ लीजिएगा, एक आइडिया हो जाएगा. ये अकाउंट बने हुए हैं और आगे चलिए. ये अकाउंट इम्पैक्ट पढ़ते हैं. कैश बुक में जब डेटा आएगा तो इम्पैक्ट पढ़ेंगे. अब आ गया जनाब अली 3 कॉलम कैश बुक. ये 3 कॉलम कैश बुक जो है वो आपके पास मौजूद है. इसमें एक कॉलम जो है वो डेट का है, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर या डिटेल का है जो उन्होंने नहीं लिखा है इनको लिखना चाहिए. फोलियो का कॉलम है, डिस्काउंट अलाउड का कॉलम है या डिस्काउंट एक्सपेंस है. ये जो रिसिप्ट साइड है इसको रिसिप्ट लिखना चाहिए कैश से पहले और बुक के बाद पेमेंट लिखना चाहिए. एक तरफ रिसिप्ट एक तरफ पेमेंट. और बैंक का कॉलम जो बना हुआ है कैश के बाद, ये एक साइड का कैश बुक हो गया. इस तरह दूसरी साइड की कैश बुक भी बनेगी और डेट का कॉलम पर्टिकुलर का फोलियो का डिस्काउंट का कैश का और बैंक का कॉलम बन जाए. आगे चलेंगे. इसके बाद ये बड़ी प्यारी एग्जाम्पल है. मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इस एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ें और इसका सलूशन दिया हुआ है, इस सलूशन को देखें. मैंने जो कुछ भी आपको अब तक समझाया वो सब कुछ इस एग्जाम्पल को कर लेने से आ जाएगा. इसका तरीकाकार मुबीन यह है कि आप पहले तो जनाब क्वेश्चन उठाएंगे, उसका सलूशन देखेंगे और उसके बाद उसी क्वेश्चन को उठाकर सॉल्व कर लेंगे और फिर चेक करेंगे जो आपने किया वो सही है या नहीं. और इस क्वेश्चन में आगे टी अकाउंट्स भी बने हुए हैं, तो टी अकाउंट्स आपको बनाने होंगे. सेल लेजर में रिसीवेबल के अकाउंट होते हैं, परचेज लेजर में पेएबल के अकाउंट होते हैं और जनरल लेजर में सारे नॉमिनल और रियल अकाउंट होते हैं. आगे चलें. गॉन.
ये उसने आपको बताया कि एंटीक्सोनियर बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लायबिलिटी। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैंने बैंक में 100 रुपए जमा करवाए तो मैं 110 निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरी जेब में अगर 100 रुपए हो तो 110 नहीं निकाल सकता। तो इस सवाल में ये एग्जाम्पल जो दी भी है ये वही बात है जो मैं आपको समझा कर दिया हूँ कि यहाँ पर बैलेंस बीडी दो जगह आ गया। कैश का बैलेंस बीडी 167 कैसे आ गया कि जनाब 167 में से हमने जब 92 माइनस किया तो हमारे पास 75 बचा, वो हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया अगले साल का, इस साल का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। लेकिन बैंक की पेमेंट साइड ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक की पेमेंट साइड जब ज्यादा है तो रिसीव साइड कम हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस सीधी जो था वो कैश बुक के डेबिट साइड के अंदर आया बैंक के कॉलम में, और वही ओपनिंग बैलेंस हो गया अगले दफा का। लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव बैलेंस है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। अगर बैलेंस शीट बनानी हो तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट एज ए करंट लायबिलिटी दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, बैंक कैश बुक बता दिया मैंने आपको। बैंक जो है वो हमें ये नहीं देखना कि बैंक क्या कर रहा है, हमें ये देखना है हम जब बैंक की कंस्ट्रक्शन बनाने बैठेंगे हम बताएंगे इस बात को। अब आपको जो सवाल करने हैं आगे चलिए प्लीज, मैं आपको सवालात बताता हूँ, उन सवालात को आप कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपको MCQs करने, सारे MCQs कर लें और इसका एक बाद में एक इसका वो बना लें, इस चैप्टर का आप बना लें, इसको काट कर इसका वो बना लें PDF और मुझे भेज दें PDF ताकि मैं सारे बच्चों को भेज दूँ और वो MCQs करने हैं। और उसके बाद MCQs के आंसर भी मौजूद हैं बुक में, जरा आगे जाइए तो आपके पास जो नजर आएगा वो क्वेश्चन आएंगे, मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको कौन कौन से करना। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 3 करना होगा, आगे चलो 3 करना है लेकिन 4 नहीं करना, उसके बाद आगे चले, उसके बाद आगे चले 5-6 नहीं करने, ठीक हो गया। ये तो आपका खत्म हो गया, आपका काम है कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लें और लेने के बाद आप देखिए, मैं सब कुछ करता हूँ, घूमता हूँ फिरता हूँ, और मैंने कल एक रिसर्च पेपर भी लिखा, एक्सेप्ट हुआ कल, मैंने लिखा था लास्ट में, तो सारे काम अपने ग्रोथ के भी कर रहे होता हूँ, कर रहा होता हूँ, दौड़ भी रहा होता हूँ, भाग भी रहा होता हूँ, गाने भी सुन रहा होता हूँ, नमाज भी पढ़ रहा होता हूँ, सारे काम चल रहे हैं, ठीक है। तो अपनी कॉस्ट ग्रोथ की कॉस्ट पे, स्टडीज की कॉस्ट पे भी काम नहीं करना। मुबीन को सवाल है तो कुछ नहीं सर, समझ आ गया, मैं भी करूंगा क्वेश्चन। बेटा जानी आपने एक काम और भी करना है, मुझे मेरी जो यूट्यूब का चैनल है उसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना, सर्च कर लेना कि कैश बुक का कोई लेक्चर मौजूद है या नहीं, मेरा ख्याल है शायद मौजूद है, अगर नहीं है तो मुझे बता देना ताकि मैं कैश बुक का एक लेक्चर भी बना के भेजूँ, ठीक हो गया सर? अभी चेक करके बता दूँ, और वो क्वेश्चन भी देख लेना, हाँ चेक कर लो। सर देखिए ये वाली वीडियो जी, ये वाली वीडियो है कैश बुक हिडन डिस्काउंट कैलकुलेशंस। हाँ तो वाली तो ठीक है, इसको शेयर कर देना ग्रुप में बेटा। मैं तो खोला है देखता हूँ।
सही ये सुन लेना बेटा जी सर ठीक है चलो फिर आपसे मुलाकात होगी जब आप चाहेंगे आपके डिस्पोजल पे हूँ मैं अगर आप चाहेंगे कल क्लास करना मैं तैयार हूँ अगर आप कहेंगे सर मुनव्वर ईद के दिन करनी है मैं तैयार हूँ आगे पीछे करके हम काम करेंगे ठीक है सर ठीक है सर ठीक है।